ओके जी, ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, और खुलेगा कहाँ से भाई जान? क्या खाना है आपने? वो देखो मावी अभी आया हुआ, देखो इधर वो ना सिर रखा बस। अस्सलाम वालेकुम। आज था जी अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का दिन, जुमे की नमाज़ हो चुकी है और मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ। और आज है जी माशाल्लाह से चौथा रोज़ा। दो तीन दिन से ब्लॉग नहीं बना सका, उसकी मेन रीज़न ये है कि मेरे कुछ दाढ़ों में इशू था, दांत में मसला हो रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, तो उसकी वजह से ब्लॉग नहीं बना सका। खैर जी, आज जो है जुमे का दिन था, तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बनाए थे, तकलीफ भी शुक्र कर दी तरह। चलिए शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। नमाज़ पढ़ के जी हम लोग आ चुके हैं और माविया भी आ चुका है। आप गए थे नमाज पढ़ने आज? हाँ गया था, क्यों नहीं गया? किसके साथ गए थे आप? अपने बाबा के साथ। मैंने तो नहीं देखा आपको मस्जिद में, मुझे तो नहीं। तो हाँ बताओ, मैंने तो नहीं देखा आपको, किधर गए थे? आ रहे था। हाँ मैं मस्जिद गया था, मैंने नहीं देखा आपको, मुझे तो नहीं नजर आया। मैं नीचे वाले मस्जिद में था, आप ऊपर वाली। कौन सी नीचे वाली? कोई भी नीचे तो कोई मस्जिद नहीं है। ऊपर वाली जो है ना मस्जिद, वो सब साफ ना मुझे देखा नहीं था। नहीं मुझे तो नहीं नजर आया, मुझे तो लग रहा है आपने ऐसी झूठ बोल रहे हो, रोजे में झूठ बोल रहे हो। रोजा रखा है कि नहीं रखा? रोजा आपने कहाँ रखा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। रखा है क्यों नहीं? दिखाओ जरा जबान, दिखाओ। नहीं कोई भी नहीं, आपकी जबान पे तो वो लग गई है, टॉफी खाई हुई है आपने अभी। टॉफी? ये जी हमारा आ चुका है ऑर्गेनाइजर, अभी इसकी करते हैं जी अनबॉक्सिंग। मैंने इसको खोल लिया, अब इसको निकाल के देखते हैं क्या है जी अंदर। ओके जी, ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, और खुलेगा कहाँ से भाई जान? यहाँ से खोलेगा, यहाँ से खोलते हैं। ये हमने खोल लिया है, ये कुछ मैनुअल है इसका, थैंक्स फॉर शॉपिंग। और ये है जी हमारे ऑर्गेनाइज़र, और ये है जी हमारे ऑर्गेनाइज़र। चलिए जी इनको अभी खोलते हैं, ये इस तरीके से ये भी खुल गया। अच्छा ये है बेसिकली जो मैंने मंगाए हैं, ये छोटे कपड़े जुराबे वगैरह जो होते हैं, अंडर गारमेंट्स जो होते हैं ना, उसका है ये ऑर्गेनाइज़र। तो मेरे पास काफ़ी सारे सॉक्स हैं, उनको जो है ना मुझे ऑर्गेनाइज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा कि चीज़ का ऑर्गेनाइज़र मंगाया जाए, जो कि ये आ चुका है। ये देखेंगे इस तरीके से जो है ना, ये इसके अंदर आप रखेंगे अपने जुराबें, यहाँ पर जो है ना सारी जो है ना वो आ सकती हैं। और भी कुछ जो होते हैं बनियान चनियान, और भी कुछ कपड़े शपड़े जो होते हैं वो आप रख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए जी, तो लुक वाइज क्वालिटी वाइज जो है ना वो अच्छा है। ऑर्गेनाइज़र आ चुकी है, और इसकी प्राइस है, इसकी जो प्राइस है अराउंड 1600 है, 100 रुपये जो है ना इसके डिलीवरी चार्जेज है, 1500 का मेरे ख्याल से ये खुद था। और ये जी लुक वाइज बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। अभी इसके अंदर जो है ना अपने कपड़े शपड़े रखते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है। ये जी हमारी इस तरीके से जो है ना तमाम सॉक्स जो है ना ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं, इस तरीके से जी हमारी सॉक्स जो है ना तमाम की तमाम ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। इसके अलावा और भी दो तीन सेक्शन हैं, उसमें अंदर भी जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें हम रख सकते हैं, और इन तमाम चीज़ों को कपड़े शपड़े जो है ना उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सेब 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 दे दें, फ्रूट वगैरह लेते हैं। ये मोहम्मद अहमद भी आया हुआ, क्या खाना है आपने? वो देखो मावी अभी आया हुआ, देखो इधर वो ना सिर रखा बस। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं अटिप्चा बन गया हूँ। क्या बन गए हो? अटिप्चा। हाफिज साहब बन गए। अच्छा
नमाज पढ़ ली आज आपने जुमे की कि नहीं? हाँ। किधर पढ़ी है? मस्जिद में। अच्छे से नमाज पढ़ी है। अच्छा, पापा के साथ गए थे आप? चलो आओ जिया से मिल लो। जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा इफ्तार हो चुका है और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ नमाज़ के लिए, बस तेज़ी तेज़ी से जा रहा हूँ मगरिब की नमाज़ के लिए। तो चलिए जी नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ मैंने पढ़ ली है लेकिन थोड़ा लेट हो गया था, असल में क्या कहते हैं देर से निकला था उसकी वजह से जो है ना नमाज़ थोड़ी सी रह गई। एक रकत ही जो है ना वो सही बात जो है ना खुद ही पढ़ी और अभी जो है ना वो रोटी लेते हैं। ये सामने शॉप देख रहे हैं, ये तंदूर है, यहाँ से लेते हैं जी रोटी और फिर